उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में बड़े धूमधाम से छठ पूजा का पर्व मनाया जा रहा है, जहां लोगों में काफ़ी उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। अगर शांति व्यवस्था की बात की जाए तो शांति व्यवस्था के लिए प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मूड में नजर आ रही है। जिले में कई जगह छठ पूजा का पर्व मनाया जा रहा है। वहीं बांसी नगर पालिका के रानी लक्ष्मी मोहा भक्त घाट पर करीब 47 वर्षों से छठ पूजा का पावन पर्व मनाया जाता है और यहाँ काफ़ी संख्या में छठ मैया के भक्तों की भीड़ देखने के लिए मिलती है। वहीं इस वर्ष हजारों की संख्या में श्रद्धालु दिख रहे हैं। राप्ती नदी में पानी अधिक होने से नदी तट पर बैरिकेटिंग की गई है, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सभी जनपद वासियों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सभी जगह सभी घाटों में पुलिस का व्यवस्थापन किया गया, जितने भी इम्पोर्टेंट चौराहे हैं, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी पुलिस की ड्यूटीज लगाई गई है। घाटों पर भी गोताखोरों की भी ड्यूटी है, पीएसी की भी प्लाटून लगाई गई है और लगातार हम कार्य कर रहे हैं और जनता का भी और कार्यक्रम के आयोजकों का भी सहयोग मिला है। एक बार फिर से सभी जनपद वासियों को छठ पर्व जैसा कि देखा जाए कि तो इस वर्ष जलस्तर नदी का भी काफी कम नहीं हो पाया, ऐसे में सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? यहाँ पे जितने भी घाट थे वहाँ पे बांस की बल्लियों से घेरा बनाया गया है ताकि सुरक्षित वाटर लेवल तक ही लोगों को जाने की अनुमति मिले। साथ ही यहाँ पे गोताखोर और फ्लड वाली लगाई गई है, इसके अलावा अनाउंसमेंट सिस्टम है और लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।